D5 चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सुखबीर सिंह। इस वेले की वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाला के कतलकांड नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिस दे विच एक होर CCTV फुटेज है जिहड़ी उह सामने आई है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि किस तरह एक चौंक के विचों पहलां सिद्धू मूसेवाला की थार जाती है, फिर उही करोला कार जाती है, तो उस तों बाद जिहड़ी बलैरो गड्डी आ उह जाती है। तुहानू दस दईए कि दस्सिया जा रहा है कि CCTV फुटेज है जिहड़ी सिद्धू मूसेवाले नाल जो घटना हुई है उस तो 8 मिनट जिहड़ी पहलां दी दसी जा रही है। ऐतवार वाले दिन सिद्धू मूसेवाला अपने दो दोस्तों के नाल घरों बाहर निकलते हैं। दसिया जा रहा है कि वह मासी नूं मिलन बरनाले जा रहे थे, जिसका रास्ते दे विच रोक के इन्हां दो गड्डियां दे सवार जिहड़े नौजवान सन उन्हां वल्लों गोलियां मार के कतल किया गया, जिस तों बाद जिहड़े उसदे नाल दो साथी सीगे उन्हां नूं लुधियाना DMC दे विच भर्ती किया गया, जिन्हां दी जिहड़ी हालत आ उह ठीक दसी जा रही है। ते सिद्धू मूसेवाला दे परिवारक मैंबरां वल्लों लगातार सरकार नूं लैके जिहड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला दी एक दिन पहले ही जिहड़ी सुरक्षा उह सरकार वल्लों वापस ले गई सी, जिसनूं लैके परिवार लगातार सवाल खड़े कर रहा, इंसाफ दी गल कर रहा, ते पुलिस वल्लों लगातार जिहड़ी जांच की जा रही है, पर पुलिस दे हाले तक हत्थ कुछ नहीं लगे। एक नवीं CCTV फुटेज जिहड़ी आ तुहानूं दिखा रहे सी उह सामने आई है। हुण देखना होवेगा कि पुलिस किन्ने समय दे विच जिहड़े दोषी आ उह फड़ के अंदर करदी आ, क्योंकि इस मामले की जिम्मेवारी जिहड़ी लई आ उह लॉरेंस बिश्नोई ने लई सी, जिसनूं लगातार तुहानूं दस दईए कि इस पूरी घटना की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई वल्लों लई गई सी, जिसनूं पुलिस ने रिमांड से भी रखा है। दस्सिया जा रहा है कि उसनूं मानसा के भी लिया के जिहड़ा अदालत में पेश किया जाएगा, तो मानसा पुलिस रिमांड लवेगी। हुण देखना होगा कि इस मामले के होर की निकल के सामने आता है, तो कतल करवाउण दे पिछे किसका हाथ है। इस वेले की वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाला के कतलकांड नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिस दे विच एक होर CCTV फुटेज है जिहड़ी उह सामने आई है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि किस तरह एक चौंक के विचों पहलां सिद्धू मूसेवाला की थार जाती है, फिर उही करोला कार जाती है, तो उस तों बाद जिहड़ी बलैरो गड्डी आ उह जाती है। तुहानूं दस दईए कि दस्सिया जा रहा है कि CCTV फुटेज है जिहड़ी सिद्धू मूसेवाले नाल जो घटना हुई है उस तों 8 मिनट जिहड़ी पहलां दी दसी जा रही है। ऐतवार वाले दिन सिद्धू मूसेवाला अपने दो दोस्तों के नाल घरों बाहर निकलते हैं। दसिया जा रहा है कि वह मासी नूं मिलन बरनाले जा रहे थे, जिसका रास्ते दे विच रोक के इन्हां दो गड्डियां दे सवार जिहड़े नौजवान सन उन्हां वल्लों गोलियां मार के कतल किया गया, जिस तों बाद जिहड़े उसदे नाल दो साथी सीगे उन्हां नूं लुधियाना DMC दे विच भर्ती किया गया, जिन्हां दी जिहड़ी हालत आ उह ठीक दसी जा रही है। ते सिद्धू मूसेवाला दे परिवारक मैंबरां वल्लों लगातार सरकार नूं लैके जिहड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला दी एक दिन पहले ही जिहड़ी सुरक्षा उह सरकार वल्लों वापस ले गई सी, जिसनूं लैके परिवार लगातार सवाल खड़े कर रहा, इंसाफ दी गल कर रहा, ते पुलिस वल्लों लगातार जिहड़ी जांच की जा रही है, पर पुलिस दे हाले तक हत्थ कुछ नहीं लगे। एक नवीं CCTV फुटेज जिहड़ी आ तुहानूं दिखा रहे सी उह सामने आई है। हुण देखना होवेगा कि पुलिस किन्ने समय दे विच जिहड़े दोषी आ उह फड के अंदर करदी आ, क्योंकि इस मामले की जिम्मेवारी जिहड़ी लई आ उह लॉरेंस बिश्नोई ने लई सी, जिसनूं लगातार तुहानूं दस दईए कि इस पूरी घटना की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई वल्लों लई गई सी, जिसनूं पुलिस ने रिमांड से भी रखा है। दस्सिया जा रहा है कि उसनूं मानसा के भी लिया के जिहड़ा अदालत में पेश किया जाएगा, तो मानसा पुलिस रिमांड लवेगी। हुण देखना होगा कि इस मामले के होर की निकल के सामने आता है, तो कतल करवाउण दे पिछे किसका हाथ है। इस वेले की वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाला के कतलकांड नाल जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिस दे विच एक होर CCTV फुटेज है जिहड़ी उह सामने आई है। तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि किस तरह एक चौंक के विचों पहलां सिद्धू मूसेवाला की थार जाती है, फिर उही करोला कार जाती है, तो उस तों बाद जिहड़ी बलैरो गड्डी आ उह जाती है। तुहानूं दस दईए कि दस्सिया जा रहा है कि CCTV फुटेज है जिहड़ी सिद्धू मूसेवाले नाल जो घटना हुई है उस तों 8 मिनट जिहड़ी पहलां दी दसी जा रही है। ऐतवार वाले दिन सिद्धू मूसेवाला अपने दो दोस्तों के नाल घरों बाहर निकलते हैं। दस्सिया जा रहा है कि वह मासी नूं मिलन बरनाले जा रहे थे, जिसका रास्ते दे विच रोक के इन्हां दो गड्डियां दे सवार जिहड़े नौजवान सन उन्हां वल्लों गोलियां मार के कतल किया गया, जिस तों बाद जिहड़े उसदे नाल दो साथी सीगे उन्हां नूं लुधियाना DMC दे विच भर्ती किया गया, जिन्हां दी जिहड़ी हालत आ उह ठीक दसी जा रही है। ते सिद्धू मूसेवाला दे परिवारक मैंबरां वल्लों लगातार सरकार नूं लैके जिहड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला दी एक दिन पहले ही जिहड़ी सुरक्षा उह सरकार वल्लों वापस ले गई सी, जिसनूं लैके परिवार लगातार सवाल खड़े कर रहा, इंसाफ दी गल कर रहा, ते पुलिस वल्लों लगातार जिहड़ी जांच की जा रही है, पर पुलिस दे हाले तक हत्थ कुछ नहीं लगे। एक नवीं CCTV फुटेज जिहड़ी आ तुहानूं दिखा रहे सी उह सामने आई है। हुण देखना होवेगा कि
पुलिस किन्ने समय के जो दोषी आ फट के अंदर करती है, क्योंकि इस मामले की जिम्मेवारी जी ली आ लॉरेंस बिश्नोई ने ले गई सी, जिसकी लगातार जिसनों लगातार तुम दस दी कि इस मामले की पूरी जान तुम दस दी कि इस पूरी घटना की जिम्मेवारी लॉरेंस बिश्नोई वालों ले गई सी, जिसनों पुलिस ने रिमांड पर भी रखा है। दसया जा रहा कि उसनों मानसा के भी लिया के जो अदालत पेश किया जाएगा, तो मानसा पुलिस रिमांड लवेगी। हुण देखना होगा कि इस मामले के होर की निकल के सामने आता है, तो कतल करवाने के पिछे किसका हाथ है। तुसी देख रहे हो डी5 चैनल पंजाबी। धन्यवाद। होएगी किसानां दी गल, नवी खेती मशीनां बीजां ते बागां दी गल लैके चलांगे तुहानू रंगले पंजाब दे खेतां वल। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम फार्मिंग विद अमरजीत वड़ैच, सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे D5 चैनल पंजाबी ते। की हुंदी है जमाबंदी, किवें बनदी है वसीयत, जमीन जायदाद दे हर मसले ते करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार .com D5 चैनल पंजाबी। हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो।